नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव को किया बेनकाब। मायावती ने पोल खोलते हुए अखिलेश यादव पर लगाया दलित विरोधी होने का आरोप। जहां इसके अलावा आपको बताते चले कि अखिलेश यादव पर मायावती ने जोड़ तोड़ की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। दरअसल बीएसपी के 9 विधायकों के बागी होने के बाद से ही लगातार बीएसपी में खलबली मची हुई है। जहां एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले लगातार अब सियासत गलियारों में तरह तरह की हलचलें दिखाई पड़ रही हैं और यही बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से तमाम विपक्षी नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जहां इसी कड़ी में लगातार बीएसपी और अखिलेश यादव की भी बौखलाहट सामने आ रही है और हाल ये हो चले हैं कि कभी एक साथ चलने वाली बुआ भतीजे की जोड़ी अब एक दूसरे पर ही हमलावर नजर आ रहे हैं। जहां दरअसल बीएसपी की ओर से अब जो प्रतिक्रिया सामने आई है, ये इसीलिए क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में बीएसपी के 9 विधायक जो बागी हुए हैं, उनमें से करीब 6 विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है और जिसके बाद से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बीएसपी के करीब 9 विधायक जो बागी हुए हैं वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार मायावती बौखलाहट में दिखाई पड़ रही है और अब की बौखलाहट इस कदर सामने आई है कि उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है। जी हां, आपको याद होगा कि 2019 में किस तरीके से इन्हीं बुआ भतीजे की राजनीति ने बीजेपी को धराशायी करने का प्लान बनाया था, लेकिन किस तरीके से मुंह की इन पार्टियों को खानी पड़ी थी। लेकिन अब यह साफ तौर पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि जब इतनी बड़ी करारी हार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को देखने को मिली है, इससे यह साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि अब आगामी विधानसभा चुनाव में एसपी और बसपा ने साफ तौर पर अपने गठबंधन से इनकार कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से तल्ख तेवर लगातार एक दूसरे के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं, साफ इशारा करता है कि आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव में बीएसपी और सपा का गठबंधन नहीं होने वाला है। कि बीएसपी के 9 विधायक लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में नजर आ रहे हैं और ये अटकलें साफ तौर पर लगाई जा रही हैं कि किसी भी वक्त ये बागी विधायक समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से मायावती ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बताया और संकीर्ण राजनीति में माहिर होने का आरोप लगाया है। कि मायावती ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि घृणित जोड़ तोड़, द्वेष व जातिवाद आदि संकीर्ण राजनीति में माहिर समाजवादी पार्टी की ओर से मीडिया के सहारे प्रचारित करना कि बीएसपी के कुछ विधायक टूटकर सपा में जा रहे हैं, ये घोर छलावा है। जी हां, इसके अलावा मायावती ने साफ तौर पर यह भी लिखा कि उन्हें काफी समय पहले पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और पहले ही समाजवादी पार्टी और एक उद्योगपति से मिली भगत के कारण राज्यसभा के चुनाव में एक दलित के बेटे को हराने के आरोप में बीएसपी से निलंबित किया जा चुका है। इसके अलावा आपको बताते चले कि मायावती ने सपा पर हमला बोलते हुए एक और साफ तौर पर ट्वीट लिखा, उसमें साफ तौर पर लिखा कि सपा अगर इन निलंबित विधायकों के प्रति थोड़ी भी ईमानदार होती तो अब तक इन्हें अधर में नहीं रखती, क्योंकि इनको ये मालूम है कि बीएसपी के यदि इन विधायकों को लिया गया तो सपा में बगावत व फूट पड़ सकती है और बीएसपी में जो तमाम नेता आने को आतुर बैठे हैं। जी हां, इसके अलावा एक और ट्वीट करते हुए मायावती ने साफ तौर पर लिखा कि जग जाहिर तौर पर सपा का चाल चरित्र व धेरा हमेशा ही दलित विरोधी रहा है, जिसमें थोड़ा भी सुधार के लिए वो कतई भी तैयार नहीं है। जहां इसके अलावा मायावती ने साफ तौर पर यह भी लिखा कि यही बड़ी वजह है कि सपा सरकार में बीएसपी सरकार की ओर से किए गए जनहित कार्यों को बंद किया गया और खासकर भदोई को नया संत रविदास जिला बनाने को भी बदल डाला, जो कि अति निंदनीय है। इसके अलावा मायावती यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर अपने अगले ट्वीट में लिखा कि वैसे बीएसपी के निलंबित विधायकों से मिलने आदि को मीडिया में प्रचारित करने के लिए लिया गया सपा का यह नया नाटक यूपी में पंचायत चुनाव के बाद अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए की गई पैंतरेबाजी ज्यादा लगती है। यूपी में बीएसपी जन आकांक्षाओं की पार्टी बनकर उभरी है, जो कि जारी रहेगी। तो साफ तौर पर एक के बाद एक कई बड़े ट्वीट करते हुए मायावती ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। लेकिन आपको बता
बताते चले कि इस वक्त जिस तरीके से तमाम विपक्षियां पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगी हुई है, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का जो विकास हुआ है, ये साफ कहना लाजमी होगा कि इन तमाम विपक्षी पार्टियों की एड़ी चोटी का जोर लगाना व्यर्थ जाने वाला है, क्योंकि साफ तौर में जो लोकप्रियता सीएम योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ती है, इसके आगे ये तमाम विपक्षी नेता जिस तरीके की राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, साफ तौर पर फेल साबित होने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आपको बता दें ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट है, क्योंकि सबको पता है कि लगातार जिस तरीके से बीजेपी के नेतृत्व में बड़े बड़े काम केंद्र सरकार से लेकर योगी सरकार की ओर से किए गए हैं, यही बड़ी वजह है कि अब लगातार विपक्षी पार्टियों में बौखलाहट सामने आने लगी है, और अब ये बौखलाहट साफ तौर पर एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप प्रत्यारोप के दौर से भी साफ तौर पर झलकती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हां, हालांकि आपको बताते चले कि जो सपा के दरबार में अखिलेश यादव से कई बीएसपी के विधायक मिलने पहुंचे थे, हालांकि फिलहाल ये आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं की गई है कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन साफ तौर पर एक कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां एक बार फिर से जोड़ तोड़ की राजनीति करने में साफ पर सक्रिय दिखाई पड़ रही हैं, और यही बड़ी वजह है कि लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से बसपा के विधायकों को लालच दिया जा रहा है, या यूं कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए गलत तरीके से तमाम दांव पेच इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि जो तमाम विधायक जो बसपा से बागी हुए हैं, इसमें असलम रायनी जो कि भिनगा शवास्ती से विधायक है, इसके अलावा मुज्तबा सिद्दीकी जो कि प्रतापपुर इलाहाबाद से विधायक है, इसके अलावा हाकिम लाल बिंद जो कि हांडिया प्रयागराज से विधायक है, तो इसके अलावा हरगोविंद भार्गव जो कि सीतापुर के सिंधौली से विधायक है, इसके अलावा असलम अली चौधरी जो कि हापुर के झोलाना से विधायक हैं, तो साथ ही साथ सुषमा पटेल जो कि बादशाहपुर के मुंगरा से विधायक हैं, लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में है, समाजवादी पार्टी से लगातार इनकी बातचीत जारी है, और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब बसपा सुप्रीमो मायावती की घबराहट बढ़ने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम 2017 की बात करें तो किस तरीके से हमने देखा था कि तमाम एड़ी चोटी का जोर विपक्षी पार्टी दिखाई पड़ रही थी, और हाल ये हो गए थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आप सोचे कि गठबंधन तक किया था, लेकिन किस तरीके से मुखी खानी पड़ी थी हम सब ने देखा था, और उसके बाद विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद किस तरीके से 2019 में बुआ भतीजे ने लोकसभा चुनाव फतेह करने के लिए कैसे गठबंधन किया था ये हम सब ने देखा था, और इससे पहले हम सब ये जानते कि कैसे गेस्ट हाउस कार्ड में समाजवादी पार्टी ने बसपा पर हमला किया था, लेकिन आप सोचिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति फतेह करने के लिए कैसे दो दुश्मन एक हो गए थे, लेकिन इसका भी परिणाम उन्हें नकारात्मक साफ तौर पर साबित हुआ था और उन्हें बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ा था, और यही बड़ी वजह है कि अब 2019 में गठबंधन में मिली करारी हार के बाद 2022 के चुनाव में साफ तौर पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि बसपा और समाजवादी पार्टी गठबंधन करने के मूड में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग पार्टियां एक दूसरे पर कशी करते हुए दिखाई पड़ रही है, लेकिन आपको बताते चले कि ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षों की बौखलाहट है, क्योंकि अगर हम कामों पर ध्यान दें, अगर वाकई विकास काम को लेकर बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अब तक 2017 से पहले गुंडा राज था हम सब ने देखा था, कैसे हत्याएं लूट बलात्कार की घटनाएं आए दिन सामने आती थी, लेकिन जब से योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में काम करना शुरू किया गया है, लगातार इन पर लगाम लगाने की कोशिश योगी सरकार की ओर से की गई है, और जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े अपराधी उत्तर प्रदेश में मार गिराए जा रहे हैं, ये बड़ी वजह बताए जा रहे हैं कि अब एक बार फिर से 2022 में योगी सरकार के ही नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। हालांकि लगातार इन विपक्षी नेताओं की ओर से अभी पिछले दिनों तमाम तरह की भ्रामक खबरें भी फैलाई जा रही थी कि योगी सरकार और केंद्रीय आला नेतृत्व में कि कुछ ना कुछ खटास जरूर आई है, और यही बड़ी वजह है कि लगातार केंद्रीय आला नेता लखनऊ का
दौरा कर रहे हैं और बिना बताए बड़े बड़े कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की जा रही। लेकिन आपको बताते चले, इसका मुंहतोड़ जवाब उन तमाम विपक्षी नेताओं को तब मिला जब सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसके बाद से इन तमाम भ्रामक खबरों पर विराम लग गया। और यही बड़ी वजह है कि सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार की छवि को, बीजेपी की छवि को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए तमाम विपक्षी अब एक साथ आते दिखाई पड़ रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार तमाम तरह की बीजेपी के खिलाफ भ्रामक खबरें फैलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आपको बताते चले कि 2017 में किस तरीके से भारी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने पार किया था, और अब एक बार फिर से 2022 में भी बीजेपी की साफ तैयारी है कि भारी बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और यही बड़ी वजह है कि समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी लगातार बौखलाहट में है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए साफ तौर पर एक दूसरे को बेनकाब करती हुई यहां पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि आगामी चुनाव में कौन सी पार्टी विजय हासिल करेगी, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।